वेलकम बैक रोमन आर्ट। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको हिंदी दिवस पे आपको हिंदी में लेटर राइटिंग करना सिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आज इस कॉपी में आपको हिंदी का लेटर लिखना सिखाऊं और मैं इसके लिए यूज़ करने वाला हूं ये कुछ पोस्टर कलर्स। मैं इन्हीं से ब्रूस की हेल्प से आपको हिंदी में लेटर राइटिंग लिखना सिखाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पेंटर हो या पेंटर नहीं हो, फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैं भी ब्रूस से पेंटिंग करना चाहूँ, लिखना चाहूँ, तो आप बिल्कुल राइटिंग कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं, ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वॉल पे लिखना चाहें तो उस पर धागे से उस पर लाइन्स बना लें, और अगर कापी में करना चाहें तो ऐसे ही इस पर भी स्केल की सहायता से अपने मापदंड के लिए एक लाइन खींच लें। और आप देखिए, मैं इस ब्रश को आपको दिखा रहा हूँ, तो ये ब्रश है किस टाइप का, ये देखना है कि ब्रश कौन सा है। तो मैं इसके लिए यूज़ करने वाला हूँ फ्लैट ब्रश। जी हाँ, ये चपटी वाली ब्रश है, ये राउंड वाली ब्रश नहीं है। अगर हिंदी लेटर लिखना है तो आप चपटी वाली ब्रश यानी कि फ्लैट वाली ब्रश से लिख सकते हैं। इससे क्या है, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा कि आपको ब्रश के मूवमेंट को सीखना है कि आप ब्रश को किस तरह से मूव करोगे, उस हिसाब से आपका लेटर बनेगा। जो मैं कॉपी में भी करके आपको दिखाया, आपको उसी तरह मूव करना है। अब देखिए, मैं एक कलर लेता हूँ, अगर आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, मैं ब्रश को कैसे पकड़ा हूँ और किस तरह से मैं कॉपी पे अपना ब्रश को उसकी चाल को चला रहा हूँ, तो उस ब्रश की जो मुँह है उसको आपको नोटिस करना है, कैसे कैसे मुँह हो रहा है। तो देखिए, ये बहुत ही आसानी से मैं इसको लिख लिया, तो ये बन गया आ। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया सा बना। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आसानी से हो जाएगा। ब्रश आपको नोटिस करना है मैं किस तरह से ब्रश को मूव कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी तरह हम आगे की लेटर को लिखते जाएंगे, आ, बा, सा और दा। तो आपको ब्रश की मूवमेंट को ही नोटिस करना है, तभी आप सीख पाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप कोई पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, तभी आप लिख पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और अपने हाथों को अच्छे से इस पर फिक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपका हाथ भी बराबर से बैठ जाएगा और आप भी ऐसा राइटिंग कर सकते हैं। तो फिर आप धीरे धीरे से अच्छी तरह से कर सकते हैं, इम्प्रूव हो जाएगा आपका भी राइटिंग और सीख सकते हैं। तो देखिए, मैं उनके किनारों को कैसे स्मूथली धीरे धीरे से बाद में भी उसको सफाई दे रहा हूँ, तो इसी तरह से आपको भी देना है, तो आपका जो लेटर है काफ़ी यूनिक और सुंदर दिखाई देगा। तो ये देखिए, हमारा फाइनल लेटर जो द आता है उसको मैं अभी राइटिंग कर रहा हूँ। तो ये देखिए, बहुत धीमी गति से कर रहा हूँ। आप ऐसी ब्रश के चाल को समझ जाएंगे फ्रेंड्स, तो आपको लिखने में आसानी होगा और आप बहुत ही जल्द सीख पाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ पेंटर आर्टिस्ट ही लेटर राइटिंग कर सकते हैं, एक सामान्य पर्सन भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो। तो ये कला जो है कोई भी कर सकता है, तो आप प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस आपको, फिर आप आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, मैं कैसे मूवमेंट कर रहा हूँ ब्रश को, इस चीज़ को आपको बस समझना रहता है, कहाँ पे फ्लैट रखना है ब्रश को, कहाँ पे पतली सी राउंड करना है, तो ये चीज़ को समझना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो आज का है हिंदी दिवस के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो उनके पास भी बिल्कुल शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं ऐसे और इससे ज़्यादा बढ़िया वीडियो, तो आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के प्रोफाइल पर।
तो आप मेरे YouTube चैनल प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपको सारा वीडियो दिख जाएगा। ये तो बस था एक हिंदी लेटर के लिए, लेकिन आप इंटरटेनिंग आर्ट और रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक ब्लैक एंड वाइट पेंसिल स्केच ऑयल पेस्टल ऑयल पेंटिंग वाटर कलर जैसी बहुत सारे इंटरटेनिंग के साथ सीखने के लिए चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आपके लिए हो सकता है मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक कीजिए वीडियो प्रोफाइल को और मेरे सारे YouTube वीडियो को वॉच कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।